आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। छतरपुर थाना प्रभारी की दबंगई से परेशान परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय, थाना प्रभारी के खिलाफ दिया शिकायती आवेदन। छतरपुर जिले में आए दिन पुलिस की दबंगई सामने आ रही है, पुलिस व्यवस्था बेलगाम होती नजर आ रही है। आए दिन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोग छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आते हैं और पुलिस की दबंगई की कहानी सुनाते हैं। ऐसी एक घटना छतरपुर जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र की है, जहां प्रभारी भूपेन्द्र अहिरवार की दबंगई से परेशान एक चौरसिया परिवार ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर थाना प्रभारी को पुलिस के विरुद्ध आवेदन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। बारीगढ़ निवासी रजनी चौरसिया ने अपने परिवार के साथ छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। प्रांतीय ने जुझार नगर थाना प्रभारी भूपेन्द्र अहिरवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 तारीख को भूपेन्द्र अहिरवार बिना किसी महिला कांस्टेबल के उनके घर में घुसे और वह उस समय घर पर अकेली थी। उन्होंने उनके भाई नीलेश के बारे में पूछा, जो कि उनके साथ नहीं रहता। जब इस संबंध में उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया तो थाना प्रभारी ने धक्का मारा और बोला कि कहाँ छुपाकर बिठाया है। थाना प्रभारी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसे बेलगाम थाना प्रभारियों पर पुलिस अधीक्षक कार्यवाही करे ताकि पुलिस की छवि साफ स्वच्छ बनी रहे। रजनी चौरसी बाड़ीगढ़ से पुलिस आई हमारे घर, पूछ रही है कि नीलेश चौरसिया कहाँ। नीलेश वो भाई है। नहीं, हम लोग सागर में रहते, नवरात्रि में आए थे अभी हम। किस बात को लेकर पुलिस का क्या कहना? मुझे खुद नहीं पता ना, उन्होंने बताया, बस कह रहे हैं नीलेश को निकालो। थाना प्रभारी कौन है? भूपेंद्र। क्या चाहती हैं आप, कहाँ आए हैं? अरे तो हम न्याय चाहती हूँ, एसपी ऑफिस आए हैं। क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी? क्या कह रहे थे? गाली गलौज भी कर रहे हैं, आवेदन नहीं दिया है। हाँ तो कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा और आप अपने भाई से दूर रहे। थाना प्रभारी क्या कह रहे थे? आपको गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, वो तो गाली गलौज कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अंदर थे तो मैं बाहर निकल के आ गई। उनसे बार बार कह रहे कि आपके पास वारंट है क्या? नहीं, वो बातें ही नहीं सुन रहे तो मैं ही बाहर निकल के आ गई। कोई कागज नहीं दिखाया मुझे।